नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लहचुरा बांध पहुंच अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। महोबा में लहचुरा बांध और अर्जुन सहायक परियोजना के रेगुलेटर देखने के बाद सभा में कहा कि भाजपा सरकार में जल शक्ति मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया है। बुंदेलखंड के दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह ललितपुर से सीधे महोबा पहुंचे। यहां पहले हेलीकॉप्टर से लहचुरा बांध का जायजा लिया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर अफसरों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि महोबा के लहचुरा बांध के पास कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर सुबह करीब 9:52 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां गेट नंबर 3 से वह अधिकारियों के साथ मंच पर पहुंचे। सीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल का काम चल रहा है, उसमें प्रशासन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के लिए कहा कि अब तक लोग समझते थे कि जल शक्ति मंत्रालय केवल हैंडपंप ही लगवाता है, लेकिन मंत्रालय ने पानी का पावर दिखाया है। सीएम ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से तमाम बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं संचालित की गई है। मुख्यमंत्री ने करीब 7 मिनट तक अपने संबोधन में बुंदेलखंड के विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताया। कई परियोजनाएं शुरू करके अब तक असिंचित बुंदेलखंड को सिंचित बनाने को लेकर सरकार के प्रयास का बखान किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए कहा कि वह चुनकर सदन में पहुंचते हैं, जहां बुंदेलखंड के विकास और गरीब किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा महोबा वीरों की भूमि है, यहां से मेरा विशेष लगाव रहा है। पिछली बार जब आया था तब यहाँ से कई बातें सीखी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ अर्जुन सहायक परियोजना के रेगुलेटर, लहचुरा बांध तथा अन्य कार्यों को देखा और अफसरों से पूछताछ की। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गाँव मॉडल के समीप ट्रैक्टर और टेम्पो में हुई भिड़ंत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मॉइड का है। मैनपुरी से शिकोहाबाद मुख्य मार्ग पर गांव मॉइड के पास ट्रैक्टर ने टेम्पो से मारी टक्कर, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें 3 महिलाएं 1 पुरुष है। ट्रैक्टर की टक्कर टेम्पो में लगते ही टेम्पो में बैठे यात्रियों की निकली चीख। घटना के बारे में जानकारी होते ही स्थानीय लोगों का लगा भीड़ का जमा। आनंद फानंद में एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हालत अधिक गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्रथम उपचार देने के बाद जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया। घायलों के नाम कुछ इस प्रकार से है: उदयवीर, पिंकी, विमलेश, हरदेवी। इसमें अभी तक 3 महिलाएं आई हैं, 3 ही महिलाएं घायल हैं, उनको हेड इंजरी है, काफ़ी सीवियर चोटें लगी हुई हैं, इलाज कर रहे हैं और इलाज के बाद उनको तत्काल फिरोजाबाद जिला अस्पताल लिए रेफर। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर गांव उरावर से 4 किलोमीटर आगे नातूधार के पास मोटरसाइकिल का हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला नातू की ठार के पास का है। ब्रजभान सिंह पुत्र विजय सिंह राम प्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी गांव कुरी अपनी बाइक से ही गला बेचने के लिए जा रहा था। उसी समय उरावर से 4 किलोमीटर आगे नातू थार के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सामने खड़े लोगों में लगी, जिसमें घटना स्थल पर ही एक व्यक्ति का पैर टूट गया और ब्रजभान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों का भीड़ का जमावड़ा लग गया। घायल को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद ले जाया गया, जहां उसका प्रथम उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में मचा कोहराम। एक मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, उड़ाव से गल्ला लेके गए थे, गल्ला लेके गए थे इधर से आगे मोड़ ना मोड़ ट्रैक्टर आता था, तो उसमें से मोड़ कंट्रोल ना इसमें लगी है, वो 2 लोग वहाँ खड़े, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया, उसका यहाँ से बोर्ड टूट गया। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में पुलिस का असलाह फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, थाना मर्दसेना पुलिस ने असलाह बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। फिरोजाबाद थाना मर्दसेना पुलिस ने 8 तमंचे, बने 5 तमंचे, अधबने 25 अधबनी नाल व भारी मात्रा में असलाह बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, राहुल ओझा व राजकुमार दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। अमरेश भागने में सफल रहा, बहुत लंबे समय से असलाह बनाने का कार्य कर रहे थे। आरोपी पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने 15,000 रुपए देकर पुलिस पार्टी को पुरस्कार दिया। ये पूरा मामला थाना मर्दसेना जनपद फिरोजाबाद का है।
हमारी मर्सेना पुलिस ने असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग तमंचे बनाने का काम करते हैं। दो सगे भाइयों रामकुमार ओझा और राहुल ओझा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से 8 बने हुए 5 अधबने यानी 1 दर्जन से ज़्यादा अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने का साजो सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सरगना है राहुल ओझा, वो पहले भी थाना उत्तर क्षेत्र से 2 बार असलहा फैक्ट्री के मसले में जेल जा चुका। BCN न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत गांव भावली में मध्य रात्रि अपने खेत पर आलू रखा रहे सर्विस पुत्र रामचरण उम्र करीबन 40 वर्ष को उतारा मौत के घाट। सिरसागंज के गांव भावली में खेत पर आलू रखवाली को गए किसान की हुई मौत। हत्या की आशंका पुलिस जांच में जुटी। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव भावली में बुधवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव का निवासी किसान सर्वेश पुत्र रामचरण उम्र करीब 40 वर्ष खेत पर आलू रखवाली करने को गया और सुबह उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर पड़ा मिला, जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। घटना की खबर मिलते ही मौके पर गांव का आसपास क्षेत्र के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र गौतम ने घटना का निरीक्षण करते हुए मामले की जानकारी ली। वहीं इसके बाद पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने कहा कि मृतक के शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद घटना का स्पष्ट कारण पता चल जाएगा। परिजनों की तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई गंभीरता से करते हुए घटना का अनावरण कर अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। थाना सिरसागंज के भावली गांव में सर्वेश नामक एक 40 वर्षीय युवक के वहां पर मृतावस्था में पड़े रहने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना सिरसागंज की पुलिस प्रभारी निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंची और अपने साथ फोरेंसिक टीम को भी लेकर गई। वहां पर मृतक सर्वेश के शव का परीक्षण प्रथम दृष्टया करते हुए उसको मोर्चरी भेजा गया है। उसको सर में कुछ चोटें आई हैं। PM के बाद स्पष्ट कारण का पता चल जाएगा। तहरीर प्राप्त की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई गंभीरता से करते हुए घटना का अनावरण कर अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।